जय श्री बागेश्वर बालाजी। आज के इस वीडियो में आपको बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी की बचपन की एक भावुक करने वाली कथा आपको बताने वाला हूँ। गरीबी कितनी बुरी होती है, यह इंसान के जीवन को नरक बना देती है। महाराज जी जब कथा कर रहे होते हैं तभी कथा में बताते हैं अपनी गरीबी की वो दुख भरी कहानी, जिसको सुनकर लोग भावुक हो जाते हैं। गरीबी को बड़ा अनुभव करो, बड़े करीब से देखो भैया, बड़े करीब से। बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, जमुना जी स्नान करेंगे, महाराज जी भी भावुक हो जाते हैं। कहते हैं कि जब बचपन में मेरी करीब 9 वर्ष की उम्र थी तब मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी वृंदावन जाऊं और वहां पर वेद पुराण और भागवत का पाठ करूं और जमुना जी में स्नान करूं और पक्का कर्मकांडी बनकर विद्वान बनूं, यह मेरी इच्छा थी। तब मैंने गांव में पिताजी से कहा, 500 रुपए की मांग की, तो गांव में लगभग 9-10 घरों में जाकर उनसे पैसों की मांग की तो कहीं भी पैसे नहीं मिल पाए, तो मैं अपनी इच्छा को मन में दबाए हुए ही रह गया। लेकिन कुछ समय बाद 500 रुपए मिले और मैं वृंदावन गया तो वहाँ पर मैं ठहर नहीं पाया किसी कारणवश और वापस आ गया। शायद बालाजी महाराज की मुझ पर असीम कृपा रही और उन्हें तो कुछ और ही मंजूर था। तो मैं जब भी गांव में इधर उधर जाता था तो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे कि वो देखो फटा पजामा पहने हुए फलाने का लड़का जा रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। यह कथा बताते हुए महाराज जी भावुक हो जाते हैं। तो आज बालाजी की असीम कृपा हुई है, राम जी की असीम कृपा हुई है और इसी दरबार में जो मेरा मजाक उड़ाते थे वह इसी दरबार में आने के लिए तरसते हैं। तो महाराज जी बताते हैं कि गरीबी किसी भी इंसान का बुरा हाल कर देती है, वह चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाता, तो किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पता नहीं इंसान की किस्मत कब बदल जाए, आज वह दर दर की ठोकरें खा रहा है, आगे उस पर प्रभु की कृपा हो जाए तो वह क्या से क्या बन जाए। तो किसी का भी मजाक न बनाएं और भगवान से यही प्रार्थना है कि गरीबी किसी को भी न दें। तो महाराज जी ने अपनी यह दुख भरी दास्तां बताई तो पंडाल में लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।